व्हाट्सअप गाइस वेलकम टू माय चैनल तो कैलकुलस बाय एसएम एम यूसफ की जो बुक है एक्सरसाइज 2.2 आज मैं आपको करवा रही हूं इसका क्वेश्चन नंबर 11 तो क्वेश्चन नंबर 11 गिवन है साइन इनवर्स एक्स और इसकी पावर एक्स पावर वन ओवर एक्स तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाएं वेरिएबल या वेरिएबल की पावर है, है, है तो उसको नेचुरल लोग लेके सोल्व करते हैं दोनों साइड पे तो पहले इसको लेट कर लेते हैं वाई तो जो गिवन फंक्शन था इसको के इक्वल लेट कर लिया दोनों साइड्स पे लॉग अप्लाई कर दिया अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड्स तो दोनों साइड्स पे लॉग आ गया अब लॉग की प्रॉपर्टी है कि पावर यहाँ पे हो तो पावर शुरू में आ जाती है ज ये एक्स पावर वन ओवर एक्स का तो इस पावर को शुरू में ले आएंगे तो ये इधर आके क्या हो जाएगी वन ओवर एक्स पावर एक्स क्योंकि ये एक्स की पावर एक्स है तो इसको हम लिख सकते हैं ये इस फॉर्म में गिवन है ना एक्स पावर वन ओवर एक्स तो जब इसको शुरू में ले आएंगे तो ये हो जाएगी वन ओवर एक्स पावर एक्स और नेचुरल साइन इनवर्स एक्स इसी तरह आ ये नेचुरल लोकवाई आ गया तो ये एक्स पावर ओवर एक्स है ये जो पावर है ये है एक्स पावर वन ओवर एक्स की पावर शुरू में आ गई बाकी टर्म इसी तरह आ गई तो नेचुरल लोकवाय एक्स पावर वन ओवर एक्स और साइन इनवर्स एक्स आ गया तो अब हमने इसको डिफ्रेंशियट करना है वो हमने फाइंड करना है बेसिकली इसमें डी वाई ओ डी एक्स तो दो फंक्शंस बन गए प्रोडक्ट रूल लगेगा पहली टर्म ये दूसरी टर्म ये तो प्रोडक्ट रूल से इसको कर लेंगे तो अगर इस साइड पे करें लॉग वाई जब भी फंक्शन है उसके साथ लॉग आ जाए तो एक दफ़ा हम उस फंक्शन को वन ओवर के साथ लिखते हैं फिर उसका डायरीवेटिव लेते हैं तो वन ओवर वाई और फिर यहाँ पर डी वाई ओ डी एक्स आ गया पहली टर्म एज इट इज़ एक्स पावर वन ओवर एक्स डेरीवेटिव ऑफ सेकेंड अब इसके साथ भी लॉग है तो वन ओवर हो जाएगा, फिर का तो X, जिस तरह का लेते हैं तो वन ओवर वन प्लस एक्स स्केयर होता है इस तरह साइन इनवर्स एक्स का ये फार्मूला है जब भी किसी इनवर्स फंक्शन का साइन इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं तो वन ओवर वन माइनस यहाँ पे जो वैल्यू होती है उसका स्केयर वन माइनस एक्सकेयर वाई होता तो वाई स्केयर आ जाता प्लस अब ये पहली टर्म का डेरिवेटिव फिर x है ना यहाँ पे तो वो x का डेरिवेटिव वन हो जाता है फिर प्लस सेकंड टर्म एज़ इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट अब ये वेरिएबल है फिर वेरी वैरिये, वेरिएबल की पावर इस पर फिर एक दफ़ा लोग लगना है तो इस फंक्शन को हम अलग से सॉल्व करेंगे बजाय इस सारे को साथ लेके फिर इसको भी साथ सॉल्व करते जाएं तो यहाँ पे मैंने इसको दे दिया वन का नाम इसका डेरिवेटिव फाइंड करके इस वन के अंदर पुट कर देंगे क्योंकि यहाँ पे फिर वेरिएबल वेरिएबल की पावर जब भी वेरिएबल हो वेरिएबल की पावर हो उसको लोग लेके सोल्व किया जाता है पहले हमने फंक्शन जो था वाई लेट किया हुआ था थोड़ा सा चेंज रखने के लिए इसको जी के लेट जी लाइट कर लिया जी इज इक्वल टू एक्स पावर वन ओवर एक्स जी को इक्वल रख लिया तो अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड्स लॉग जी और जब इस पे लॉग अप्लाई किया तो ये बनेगा लॉग जी ये इस तरह बन जाएगा ना लॉग जी और लॉग एक्स पावर वन ओवर एक्स फिर लॉग की प्रॉपर्टी पावर शुरू में आ गई और लॉग एक्स इस तरह आ गया अब इसका डेरिवेटिव ले लेंगे तो लॉग जी है तो लॉग के साथ जो भी वैल्यू एक दफ़ा वन ओवर के साथ फिर उसका डेरिवेटिव डी जी ओवर डी एक्स आ गया अब यहाँ पे अगेन दो वैल्यूज एक्स में है प्रोडक्ट रूल पहली टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड वन ओवर एक्स और एक्स का डेरिवेटिव वन हो जाएगा प्लस लॉग एक्स वन ओवर एक्स का इसको अगर ऊपर ले जाए तो एक्स पावर माइनस वन होगी और माइनस वन शुरू में पावर में से एक लेस तो इसको लिखा जा सकता है माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर तो इस टर्म का वन ओवर एक्स का डेरिवेटिव आ गया माइनस वन ओवर एक्स केयर ये टर्म आ गई ये इस साइड वाली टर्म इसी तरह ये वन ओवर एक्स केयर बन गया और ये आ गया यहाँ पे माइनस लोग ओवर एक्स केयर दोनों में एक्स केयर था एक्स केयर कॉमन ले लिया इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है वन ओवर एक्स केयर माइनस एक्स ओवर एक्स केयर एक्स वन ओवर एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ पे वन माइनस लॉग एक्स आ गया अब इसकी वैल्यू पुट कर दी डी जी ओ डी एक्स ये जी इधर डिवाइड था इधर आके मल्टीप्लाई हो गया बाकी टर्म इस तरह लिख ली अब जी हमने क्या लेट किया हुआ था जी लेट किया है एक्स पावर वन ओवर एक्स इसकी वैल्यू पुट कर दी ये इसके इक्वल आ गई अब ये एक्स पावर माइनस टू है इसको प्लस टू है ऊपर ले जाएंगे माइनस टू दोनों एक्स हैं बेसिस सेम है पावर जिस तरह ऐड करते हैं वन ओवर एक्स माइनस टू और यहाँ पे ये वन की जगह लिखा जा सकता है नेचुरल लोग ई क्योंकि नेचुरल लोग ई का आंसर होता है वन माइनस नेचुरल लोग एक्स दो लोग डिवाइड हो रहे हैं माइनस हो सकते हैं तो माइनस किया तो नेचुरल लोग ई ओवर वन एक्स आ गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर इस फॉर्म में था इसलिए हमने इसको इसी में कन्वर्ट किया तो और डी जी ओ व डीएक्स इसका हमने पुट कर दिया वन में क्योंकि हमने जी ये लट किया हुआ था तो इस फंक्शन का डेरीवेटिव डी जी ओ डी एक्स का जो आया है वो यहाँ पुट कर देंगे क्योंकि ये फंक्शन z है तो डी जी ओवर डी एक्स बनेगा अब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे कोई नंबर वन में जब यहाँ पे पुट करेंगे तो फ्रॉम वन तो यहाँ पे y एज इट इज ऊपर यहाँ पे जो टर्म थी x पावर वन ओवर एक्स नीचे साइन इनवर्स एक्स वन माइनस एक्स के उसको एज इट इज लिख लिया ये टर्म इसी तरह अब यहाँ पे डी वाई ओवर डी जी ओवर डी एक्स की जो वैल्यू थी ये वाली एज इट इज पुट कर दी तो अब ये वाई जो गिवन फंक्शन था वो ये था जिसको हमने वाई लेट किया था तो इस वाई की ये हमने जो स्टार्ट में वाई लेट किया था इस वाई की इसकी जगह वैल्यू पुट कर दी बाकी सारा सेम टू सेम इसी तरह लिख दिया फंक्शन ये इसका रिक्वायर्ड आंसर था तो होप सो आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा